हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है कि जब हम तेज़ दौड़ते हैं तो हम हाँफने क्यों लगते हैं, हमारी सांस तेज़ क्यों चलने लगती है। तो हम तेज़ दौड़ते हैं या इस तरह से कोई काम जो यूजली जो आम तौर से जिस स्पीड में की जाती है वैसे ना करके कुछ बहुत ज़्यादा काम करने लगते हैं, बहुत तेज़ काम करने लगते हैं, तो क्या होता है कि उसके लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा नीड होती है। और एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज़ होती है रेस्पिरेशन के थ्रू। रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होती है, और रेस्पिरेशन में आप जानते हैं कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। रेस्पिरेशन हर एक सेल में होता है, और सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहाँ पर रेस्पिरेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस भी कहा जाता है। आमतौर से हम ये समझते हैं कि हमारा जो सांस हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और हमारे लंग्स में पहुंचता है और फिर लंग्स से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, ये रेस्पिरेशन है। लेकिन ये ब्रीथिंग है, ये रेस्पिरेशन का एक पार्ट आप कह सकते हैं, लेकिन ये ब्रीथिंग है, ये रेस्पिरेशन नहीं है। मेन रेस्पिरेशन तो होता है हमारे हर एक सेल में होता है, और हर एक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वहाँ से फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हम दौड़ते हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और जब एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो फिर रेस्पिरेशन का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि उसे क्योंकि वहाँ से एनर्जी रिलीज होनी होती है। तो जब रेस्पिरेशन का रेट बढ़ता है, तो रेस्पिरेशन जब ज़्यादा होता है तो मतलब ये कि उसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है तो मतलब ये कि हमें बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाना है। तो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए जाहिर सी बात है कि हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, तेज़ी से सांस लेंगे कि ऑक्सीजन अंदर पहुँचे, तो रेस्पिरेशन हो, और रेस्पिरेशन हो तो फिर एनर्जी रिलीज़ हो जिससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिले और हम तेज़ दौड़ सकें। तो इसीलिए जब हम दौड़ते हैं तो उससे हमारी सांसें तेज़ चलने लगती हैं और हम हाँफने लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। फिर भी आपको अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक